डिस्क्लेमर, अगर आप घर में हो तो अपने कान के छेद में ईयरफोन डाल लीजिए। बिना ईयरफोन के ये वीडियो हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बिगेस्ट यूट्यूबर के बारे में, मतलब फीमेल यूट्यूबर के बारे में, जिनका नाम है चुतियापा, और सॉरी चुतियापा नहीं, सलोनीपा। ये जो की था, हंसो बे। हंसो भाई, अरे भोसड़ी वाले रोस्टेड ने जोक मारा है। हंसो, खुशियां मनाओ। मगर क्यों इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स है? मतलब इसी प्रदर्शन का खुल के दर्शन करने के लिए 20 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके रखा है। राजा जी, 30 सालों अगर इतना ही शौक है तो मेरी गांड मार लो, और मेरी गांड मार के मेरी चैनल को मतलब चाट लो, और सॉरी सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सलोनी अप्पा की लेने वाले हैं। मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ा है। हाँ दोस्तों, अगर ये जोक था तो मेरा लेने वाला भी जोक ही था, ठीक है, मतलब डबल मीनिंग जोक। Is a long way to go. It's okay, I'll wait. मतलब attention पाने की तलब देख रहे हो आरे दीदी, पहले अंडर से निकल ले तो दीदी, तब तो अंडर डालेगा वो, या फिर इंडिरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब मतलब एक 5 साल के लड़के का, एक बच्चे का तुम मतलब लन का साइज के बारे में बात कर रहे हो, वो भी मतलब एक लड़की को अब्यूज करते हुए, उसको हैरेसमेंट करते हुए। मतलब सलोनी अप्पा, आप थोड़ी सी बहन की लौड़ी हैं। और जो भी लोग दीदी को जानते हैं, मतलब सबको पता ही है दीदी क्या करती है, मतलब क्या हकती है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर दीदी रोस्टिंग करती है, और रोस्टिंग के नाम पे मतलब माँ बहन की गाली देना, किसी को चाइल्ड अब्यूज, मतलब हैरेसमेंट, बॉडी शेम, सब कुछ करती रहती है अपनी वीडियोज में। मुद्दे पे तो मेन मुद्दा ये है कि ये जो है बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। मतलब सच में इतना नोचा नोचे क्यों भाई? ऐसा लग रहा है जो शॉर्ट से इस लड़के के नींबू भी निचोड़ देगी। नहीं मतलब ईयरफोन लगा के कौन मारता है बे यार, ईयरफोन लगा के कौन मरता है बे। अशो भाई, अरे भोसड़ी वाले रोस्टेड ने जोक मारा है। तब दोस्तों, दीदी मतलब इंस्टाग्राम रील्स पे इतना ज्यादा हकती रहती है, और जब दीदी यूट्यूब पे आती है तो मतलब हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम की नगरी में आपको तरह तरह के प्राणी देखने को मिलेंगे, और जो दिखाता है वही बिकता है। हां तो दोस्तों, लिप सिंक बोली तो छिलल मुड़ी पर पानी टघड़ावल, मतलब दूसरों की मेहनत पे खुद चौधरी बनना। अच्छा, आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। हाँ तो दीदी, ये फिर क्या है? उसने तारीफ ही कुछ इस अंदाज में की, मुर्शिद मैंने अपनी ही तस्वीर को 100 बार देखा। दीदी ऐसा क्या बोल दिया कि आपको 100 बार अपनी मतलब बिना फिल्टर के एक्टिवा जैसी शक्ल बार बार देखना पड़ रहा है? 100 बार देखना पड़ रहा है, कैसे कर लेती हो? दीदी, बॉयफ्रेंड मटेरियल तो नहीं पता, लेकिन मतलब इनके यहाँ पे ट्रेन इतना बड़ा होता है कि बैक टनल से घुस के फ्रंट टनल से निकल भी जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा बैक टनल के बाहर ही रह जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, इनके यहाँ इतना बड़ा होता है इनका। और एक बार हमारे दीदी ने थारा भाई जोगिंदर को भी रोस्ट किया था, जिस पर थारा भाई जोगिंदर ने इंस्टाग्राम रील्स लगा के उसको रिप्लाई दिया। लेकिन दीदी मतलब खुद तो लोगों की मतलब लंड माँ बहन एक्ट कर देंगे, लेकिन उनको अगर कोई कुछ बोल दे तो वो दोबारा उनके ऊपर वीडियो बनाता है। और वैसे ही सलोनी अप्पा ने भी थारा भाई जोगिंदर को फिर से अपने वीडियो में रिप्लाई दिया था। थोड़ा सा एक क्लिप देख लीजिए आप। हम तुम्हारे लिए लवड़े का मुंह देखना।
मतलब दोनों ने मुंह ऐसे खोल के रखा है, मतलब मुंह में लेंगे लगता है अभी। तो मैं इसको अगर मुझे अवार्ड देना होता तो मैं बेस्ट चूतिया पा का अवार्ड देता, ठीक है। और अवार्ड में बनाता अपने झाट के बाल को पूरा उतार के, उसको पिघला के एक ट्रॉफी बनाता और इसको देता, मतलब बेस्ट चूतिया पा का अवार्ड। मतलब ये सलोनी अप्पा, इसका नाम गलती से पड़ गया है, इसको चूतिया पा रखना चाहिए अपना चैनल का नाम, ठीक है। और ये बस एक फनी रोस्ट था, ठीक है, मतलब ऑडियंस के लिए, बस हंसाने के लिए। इसमें कोई भी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को हैरेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर वो हैरेसमेंट नहीं कर रहा है, मतलब लन का साइज बता के उसके चूत में घुसा के वो कुछ भी करके, मतलब कुछ भी बोल रहा है माँ बहन, अगर वो हैरेसमेंट नहीं है तो मेरा भी हैरेसमेंट नहीं है। और सलोनी अप्पा के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं। आप सब्सक्राइब ठोको चैनल को, ठीक है। और इस वीडियो को अगर थोड़ा सा अच्छा लगाओ, थोड़ा सा इतना सा भी अच्छा लगाओ तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब ठोको। और सलोनी अप्पा के लिए कुछ भी आपके दिल में गाली देना हो, हाँ मुझे, अगर मुझे कहना हो कि तेरी शक्ल देख ले पहले, तो हाँ मुझे पता है कि मेरी शक्ल मतलब है बंदर की गांड की ज़्यादा, लेकिन मैं सलोनी अप्पा की तरह गांड मटकाता नहीं हूँ, ठीक है। तो जो भी है, जन्नत है भाई जो हर वीडियो में दिखाया जा रहा है। अरे मैडम, ये वही जन्नत है जिसको दिखाने की तुम काफी टाइम से कोशिश कर रहे हो, लेकिन अफसोस दिखा नहीं पा रही क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं।